पूजन करने के बाद कथा सुने हरितालिका तीज व्रत कथा। सूत जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केस पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की है और जो शिव जी दिगंबर यानी नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी तथा श्री शिव जी को प्रणाम करती हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान आदि से मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी कहते हैं, हे देवी सुनो, मैं तुम्हें एक व्रत जो मेरा सर्वस्व और छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। शिव जी कहते हैं, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम वेद, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, सब पुराणों और वेदों का सर्वस्व जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृतांत मैं तुमसे कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, नाथ मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमियाँ हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं, नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता सिद्ध चारण पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहाँ पहुँचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं जिसमें स्फटिक रत्न और बैदूर्य मणि आदि की खाने भरी हुई हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश को स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम यानी बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती हैं। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंग कर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्षों तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपती थी। श्रावण महीने में जल बरसता तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बहुत दुखी हुए। वे चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूँ। उसी समय नारद जी वहाँ पहुँचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देख गिरी ने अर्धपाद्य आसन आदि से उनकी पूजा की और कहा, हे स्वामिन, आप किस लिए आए हैं, मेरा अहोभाग्य आपका आगमन मेरे लिए अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह योग्य कन्या रत्न किसी योग्य वर को दें। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या विष्णु को ही देवें। हिमान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं, मैं उन्हें ही अपना कन्या दूंगा। हिमान की इतनी बातें सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए। वे पीताम्बर शंख चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमवान ने पार्वती जी के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुम्हें भगवान विष्णु को दे डाली। अब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के साथ घर से चली गई। वहीं जमीन पर पड़कर तुम बड़ी दुखी होती हुई विलाप करने लगी। तुमको इस तरह विलाप करती हुई देखकर सखी कहती है, तुम इतनी दुखी क्यों हो, इसका कारण बताओ। तुम्हारी जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूँगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोलती हैं, मेरा जो कुछ अभिलाषा है तुम उसे प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मेरे इस विचार को
पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती जी की यह बात सुनकर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग ना करो, चलो किसी ऐसे वन में चलते हैं जहाँ पिता का आपका पता ही न लगा पाए। ऐसी सलाह मानकर तुम वैसे वन में जा पहुंची। इधर तुम्हारे पिता घर घर तुम्हें खोजने लगे, दूतों द्वारा भी खबर लेने लगे कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया है। उन्होंने मन ही मन कहा, मैंने नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमवान मूर्छित हो गए। अब गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़े। जब होश हुआ तो सब पूछने लगे, गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। हिमवान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुने, न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है। ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा गया। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई, किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहवे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कांपने लगे। इसके बाद हिमवान तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन भी सिंह भालू हिंसक जंतुओं से भी बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसी जगह जहाँ पहुँची जहाँ एक नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। तुमने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकामयी प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। जब भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्तयुक्त तृतीया तिथि प्राप्त हुई तब तुमने मेरा विधिवत पूजन किया और रात भर जाकर गीत वाद्य आदि से मुझे प्रसन्न करने में बिताया। उस व्रतराज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा गया जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहां तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहां पहुंचकर मैंने तुम्हें कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो क्या चाहती हो। तुमने कहा है, मेरे देवता यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मैंने तथास्तु कहकर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुम्हें खोजते हुए आ पहुंचे थे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुँचते ही गिर पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को सोते हुए देखा। देखते ही उन्होंने तुम्हें छाती से लगा लिया और बिलख कर रोने लगे। पूछा, हे पुत्री तुम सिंह व्याघ्र आदि जंतुओं से भरे इस वन में क्यों आ पहुंची। पार्वती जी कहती हैं, हे पिताजी मैंने पहले ही अपने आप को शिव जी के हाथों सौंप दिया था, आपने मेरी बात टाल दी इसीलिए मैं यहाँ चली आई। हिमवान ने सांत्वना दी, हे पुत्री मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। वे तुम्हें अपने साथ घर ले आए और मेरे साथ तुम्हारा विवाह करा दिया। इसी से तुमने मेरा अर्धासन पाया है। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हे देवी मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का नाम हरितालिका नाम क्यों पड़ा। तुमको सखियाँ हर ले गई थी इसी से हरितालिका नाम पड़ा। पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु आपने नाम तो बताया, अब इसकी विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है, क्या फल है, यह व्रत कैसे करें। श्री शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी मैंने समस्त स्त्री जाति की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बतलाया है। जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती हैं वह यत्नपूर्वक इस व्रत को करे। केले के खंभे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनावे, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़ों से चंदोवा लगाकर चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों से वह मंडप लिपवावे। फिर शंख भेरी मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंगलाचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी और शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल फल सुगंध मनोहर धूप नाना प्रकार के नैवेद्य आदि को एकत्र कर मेरी पूजा करें और रात भर जागरण करें। ऊपर जो जो वस्तुएं गिनाई गई है उनके अतिरिक्त नारियल सुपारी जामबेरी नींबू लौंग अनार नारंगी आदि जो जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। उस ऋतु में जो फल और फूल मिल सके विशेष रूप से रखें। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें, हे शिवे शिव रूपिणी हे मंगले सब अर्थों को देने वाली हे देवी
हे शिव रूपे आपको नमस्कार है, हे शिव रूपे आपको सदा के लिए नमस्कार है, हे ब्रह्म रूपिणी आपको नमस्कार है, हे जगतदात्री आपको नमस्कार है, हे सिंहवानी संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करें, इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है, हे पार्वती मुझे राज और सौभाग्य दें, मुझ पर प्रसन्न होवे। इन्हीं मंत्रों से पार्वती जी और शिव जी की पूजा करें, इसके बाद विधिपूर्वक कथा सुने और ब्राह्मणों को वस्त्र गौ स्वर्ण आदि देवे। इस तरह एक होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करें, फिर वस्त्र आदि जो हो सके संकल्प करें। हे देवी जो स्त्री इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं और उसे 7 जन्म तक सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत ना कर अन्न भक्षण करती हैं वह 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और उसको बार बार विधवा होना पड़ता है। वह सदा दरिद्र पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव से लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती हैं और उपवास ना करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक को जाती हैं। मांसाहार करने से बाघिन, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और कुछ खाने से मक्खी होती है। तीज को अन्न खाने से सुकरी, फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोंक, दूध पीने से सांपनी, उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती है। इसलिए सभी स्त्रियां व्रत अवश्य करें। दूसरे दिन स्वर्ण चांदी तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे, पारण करे। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और जब वह मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के सांसारिक भोग और सायुज्य मुक्ति मिल जाती है। इस हरि तालिका की व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेघ और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। हे देवी मैंने यह सब व्रतों में उत्तम व्रत बतलाया जिसको करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव जी आप सभी की मनोकामना पूर्ण करें। हम आपसे विदा लेते हैं।